हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने वेट लॉस रोटी की रेसिपी लेके आई हूँ, जिससे आप 1 मंथ में 10 kg कम कर पाएंगे अगर आप एक हेल्दी डाइट एंड लाइफस्टाइल एंड एक्सरसाइज को अपनी लाइफ में ऐड करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए व्हीट ब्रान, जिसे हम हिंदी में चोकर भी बोलते हैं। ये आसानी से आपको ऑनलाइन सुपरमार्केट में ग्रोसरी स्टोर से मिल जाएगा। ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है। इसके साथ हमें चाहिए व्हीट फ्लोर, जो कि नॉर्मली हमारे घर में, सभी के घर में होता है, गेहूं का आटा यानी। अब मैं जो आपको क्वांटिटी बता रही हूँ वो पर मील की क्वांटिटी है। इसके लिए हमें 5 स्पून व्हीट ब्रान एंड 5 स्पून व्हीट फ्लोर लेंगे। हम जो ये रोटी बनाएंगे, इस रोटी को हम अपनी नॉर्मल रोटी जो होती है उसकी जगह ऐड कर लें। व्हीट ब्रान में हाई फाइबर एंड पोटेशियम पाया जाता है, जो हमारे पेट को क्लीन करने में, जिससे वजन कम होता है एंड हमारे बीपी को कंट्रोल करने में बहुत ही मदद करता है। सो फ्रेंड, जिनको भी हाई बीपी की प्रॉब्लम है उन्हें अपने मील्स में व्हीट ब्रान को ऐड करना चाहिए। अब मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। ये मैंने हिमालय पिंक सॉल्ट लिया है, जो वेट लॉस में बहुत ही मदद करता है। अब हम इसमें धीरे धीरे पानी डालकर एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। हमें डो ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं बनाना है, इसलिए हमें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड करना है एंड अच्छी तरह से मिक्स करके हमें एक डो तैयार करना है। व्हीट ब्रान होता है, ये हाथों पे थोड़ा चिपकता है। अगर आप को लगता है कि ये ज़्यादा ही चिपक रहा है, तो आप अपने हाथों पे थोड़ा सा ऑयल या घी भी यूज़ कर सकते हैं, लगा सकते हैं, जिससे ये आटा आपके हैंड पे बिल्कुल नहीं चिपकेगा एंड इस प्रकार का एक डो तैयार हो जाए। अब हम उसको गोल करके रोटी बनाएंगे, बेलेंगे। बेलने के लिए मैंने पहले साइड से थोड़ा दबा दिया है, जिससे हमारी रोटी फटे ना। देखिए, मैं रोटी बना रही हूँ, हमें हल्के हाथ से रोटी बेलनी है, नहीं तो रोटी चिपक जाएगी। अब हम इस रोटी को गरम तवे पे डाल देंगे और इसे सिकने देंगे। एक तरफ से सिकने के बाद, हल्की सी सिकने के बाद दूसरी तरफ से सेकेंगे। दूसरी तरफ से फ्रेंड्स मैं दिखा देती हूँ आपको। देखो, हल्की सी ब्राउन हुई है। ऐसी रोटी ऐसी होने पर दूसरी तरफ से हम इसे सीधे गैस पे सेकेंगे, क्योंकि ये रोटी तवे पे नहीं सिक पाएगी, इसलिए हमें इसे गैस पे सेकना होगा। तो हमें इस तरह से रोटी को सेकना है। हम इस तरह से रोटी सेक लेंगे। अब हम इस पे थोड़ा सा देसी घी लगाएंगे एंड फ्रेंड्स, ये रोटी बहुत ही सॉफ्ट बनी है, देखिए आप, और बहुत ही टेस्टी भी है। आप इसे अपनी लाइफ में ऐड कीजिए एंड मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड्स, बाय, लव यू।